बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इन पॉलिटिकल साइंस एंड दैट इज़ गवर्नमेंट। व्हाट इज़ गवर्नमेंट? हुकूमत क्या है? गवर्नमेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ स्टेट बाय वर्चू ऑफ विच स्टेट कैन एनफोर्स इट्स विल। गवर्नमेंट स्टेट का एक ऐसा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जिसकी वजह से और जिसके होने की वजह से, जिसके ज़रिए से स्टेट अपनी विल को एनफोर्स करती है। क्योंकि स्टेट की अगर हम बात करें तो स्टेट बजाते खुद अगर हम इसमें से गवर्नमेंट को माइनस कर दें तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि स्टेट कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप ये कहें कि ये फलां जगह पर स्टेट के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं और स्टेट इस तरीके से काम कर रही है। स्टेट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि लिटिल बिट आप ये कह लें कि एब्स्ट्रैक्ट है इन अ सेंस। क्योंकि स्टेट अपने विल को फॉर्मुलेट करने के लिए और अपनी विल को एक्सरसाइज करने के लिए गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन जो स्टेट है वो एक परमानेंट बॉडी है, जबकि गवर्नमेंट जो है ये एक टेम्प्रेरी बॉडी है। क्योंकि आपको पता है कि जो गवर्नमेंट्स हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होती रहती हैं, जबकि स्टेट चेंज नहीं होती है। क्योंकि अगर स्टेट चेंज हो जाए तो जिस दूसरी पॉलिटिकल एंटिटी को वो स्टेट अपनी सवरेनिटी सरेंडर कर देगी, वो पॉलिटिकल एंटिटी अब स्टेट कहलाएगी। और सरेंडर करने वाली जो पॉलिटिकल एंटिटी है, जिसको पहले हम स्टेट कह रहे हैं, अब उसका स्टेट का स्टेटस ख़त्म हो जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट एक ऐसा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है स्टेट का जिसके ज़रिए से स्टेट अपनी विल को, स्टेट क्या चाहती है उसको फॉर्मुलेट भी करती है और उसको एक्सरसाइज भी करती है। अब अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट स्टेट की विल को किस तरीके से फॉर्मुलेट करती है और स्टेट की विल को किस तरीके से एक्सरसाइज करती है, तो गवर्नमेंट के तीन बेसिक ऑर्गन्स हैं, तीन बेसिक ब्रांचेज हैं जिनके ज़रिए से गवर्नमेंट ये काम करती है। नंबर वन पे है लेजिस्लेचर, नंबर दो पे है एग्जेक्टिव और नंबर तीन पे है जुडिशरी। लेजिस्लेचर गवर्नमेंट का एक ऐसा ऑर्गन है, एक ऐसी ब्रांच है जिसका प्राइमरी टास्क है कानून साजी, लेजिस्लेशन यानी पॉलिसीज़ बनाना, लॉज बनाना। और जो सेकंड इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है गवर्नमेंट का वो है एग्जेक्टिव। एग्जेक्टिव का काम क्या है? पॉलिसीज़ जो कि लेजिस्लेचर ने बनाई हैं उनको एग्जीक्यूट करना, उनको इम्प्लीमेंट करना, उनको एनफोर्स करवाना। जबकि अगर हम थर्ड ऑर्गन की बात करें जुडिशरी, तो जुडिशरी का प्राइमरी टास्क है एनफोर्समेंट ऑफ जस्टिस, इंसाफ मुहैया करना। और इसके साथ साथ जो लॉज के टेक्निकलिटीज़ हैं उनको एक्सप्लेन करना, कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन करना। अगर लेजिस्लेचर और एग्जेक्टिव के दरमियान कोई क्लैश आ जाता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, तो ऐसी सूरत हाल में जो थर्ड ऑर्गन है जुडिशरी वो एक्ट करती है और बताती है कि क्या ये चीज़ अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है, और जो कानून या जो लॉ, जो पॉलिसी लेजिस्लेचर ने बनाई है वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं। इसी वजह से अगर आपको याद हो तो जुडिशियल रिव्यू का एक कॉन्सेप्ट भी बहुत फेमस है डिफरेंट डेमोक्रेटिक स्टेट्स के अंदर। अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के अंदर जो जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही पावरफुल है। तो जुडिशियल रिव्यू एक्चुअली है क्या? जुडिशियल रिव्यू गवर्नमेंट के तीसरे ऑर्गन की वो पावर है जिसके ज़रिए से वो लेजिस्लेचर के बनाए हुए किसी भी कानून को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं अगर वो कानून कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो, कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्ट्राडिक्टरी हो। तो मैं रिपीट करूँगी कि गवर्नमेंट क्या है। गवर्नमेंट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर विद इन अ सोसाइटी। गवर्नमेंट पावर के साथ डील करती है और इस चीज़ के साथ स्पेसिफिकली डील करती है कि हाउ पावर इज़ डिवाइडेड एंड यूज्ड। टेक